हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशिमेश रास्तफ नोटिफिकेशन कंसल्टेंट। गाइस अभी रिसेंटली दिसंबर में नीट के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए गए हैं एंड होपफुली आप सभी ने वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा। एंड 5 मई 2019 को एग्ज़ाम है एंड आप अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। लेकिन गाइज ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि ऑल्दो आपने फॉर्म फिल कर लिया तो आपको क्राइटेरिया सारे पता है कि क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन मैटर करती हैं, सब कुछ। लेकिन ये चीज़ें उनके लिए मैटर करती हैं। ये वीडियो उनके लिए है कि जहां पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ ना कुछ आप भी नहीं जानते हो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, कुछ नए रूल्स निकले हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो 10+2 में बायोलॉजी कंपलसरी थी, लेकिन जो कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडीड बायोलॉजी एज अ रेगुलर सब्जेक्ट 10+2 में, तो वो भी आप अपियर कर सकते हैं, वो भी अब एलिजिबल है इसमें नीट के एग्ज़ाम में एंड वो भी दे सकते हैं नीट के एग्ज़ाम। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो क्राइटेरियाज मैटर करते हैं नीट के एग्ज़ाम फिल करने के लिए वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी मैटर करती है, एज लिमिट मैटर करती है एंड नेशनैलिटी मैटर करती है। तो अगर एकेडमिक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो अटैम्प्ट मैटर करते हैं कि पहले ये था कि आपको देयर इज अ नंबर ऑफ, आप 3 ही अटैम्प्ट कर सकते थे नीट एग्जाम के लिए, मगर अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है, जो नया रूल निकला है कि देयर इज नो कैप ऑफ नंबर टू ऑफ अटेम्प्ट्स, मींस कि आपके पास आप जितना चाहे, जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्टर्स आपके मैटर करेंगे, अगर आप इसके अंदर आते हैं देन आफ्टर दैट आप जो है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। उसके बाद एज लिमिट जो मैटर करती थी अनरिजर्व्ड यूआर लोगों के लिए, जो पहले एग्जिस्टिंग एज लिमिट थी वो थी बॉर्न ऑन बिटवीन 5 मई 1994 एट December 31 2002 एंड SC/ST/OBC के लिए जो मैटर करता था उनके लिए 5 मई 1994 एंड December 31 2002। लेकिन अभी जो रिवाइज एज लिमिट हुई है वो बॉर्न ऑन और बिफोर December 31 2002। सो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी लेटेस्ट अपडेट में है, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर क्राइटेरिया ऑफ नेशनैलिटी की बात करूँ तो कैंडिडेट हु हैव अ नेशनल्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज में से, जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, वो अप्लाई कर सकते हैं 2019 से नीट एग्ज़ाम के लिए। इंडियन नेशनल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, overseas citizens of India, persons of India origins and foreign nationals। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी अपडेट में लेटेस्ट आई हैं, जो अपडेट आप 2019 में जो फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए है। और अगर बात एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्लास 12th is the basic qualification exam, qualifying exam, but the qualifying marks differ according to the candidate's category। डिफरेंट आ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी कैटेगरीज लाइक जो जनरल, SC, ST, इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो जनरल कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स इज क्वालिफाइड एग्जाम, OBSC, SC, ST कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, जनरल फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम, OBSC, ST फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम। सो बेसिकली ये कैटेगरीज हैं कुछ जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अगर उसके बाद में बात करूँ जो क्लास 12 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जिनको सब्जेक्ट्स के साथ आपको प्रिपरेशन करनी होती है इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने के लिए। एंड इसके बाद अगर देखूँ तो रिजर्वेशंस के बात करूँ तो 15% ऑल इंडिया कोटा चलता है। SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए 15%, ST कैंडिडेट्स के लिए 7.5%, OBC कैंडिडेट्स 27%। Candidates from the creamy layer must mention their category as unreserved। So basically ये कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। एंड इसके बाद जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। एंड ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। सो ऑल ओवर ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको इन्फॉर्मेशन पता है, अच्छी चीज़ है आपके लिए। लेकिन अगर क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों से हम अवेयर नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको अवेयर करेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं एंड ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसे जो 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर चुके हैं उनको ये लगेगा कि ये अब मैं अटैम्प्ट नहीं, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग आपको अटैम्प्ट्स और कर सकते हैं, बस आपको क्राइटेरिया जो ये लिमिट वगैरह मैटर करती है वो उसमें आपको फुलफिल करना होता है। सो ऑल ओवर अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है इससे रिलेटेड कि हाँ अभी मेरे इससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप हमें कॉल या मेल जरूर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। एंड more, you can also use the comment box where I can also revert your questions. So thank you so much friends for watching this video, and don't forget to like this video, don't forget to subscribe our channel for more videos. Thank you so much.